जम्मो लैका मल्ला, जय जोहार। लैका हो तू मल्ला, दूसर के कहीं जिनिस खई खजैनीला देख के लालच आ जाते, तब तुमन अपन दाई ददा करा ओला लेबर जीत कर था और लेवा डर था। तब कभू कभू मनखे मन घलो लालच में चोरी हारी कर डर थे, तब ये मल्ला थाना पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं लेके के गाँव में बैठका करके समझाना बुझाना बने होते। ये पाठ मा सोन के फर चोरी करैया मनखे मल्ला ऐसने ढंग ले सुधारे के उदिम करेगी तेन ला बताए गे है। ता आवो आज हमन ऐसने यही कहनी सोन के फरला पढ़वो, जेन हर तुहार पाठ तीन महाबाय तुमन पुस्तक ला खोल लो। गजब दिन के बात आए, एक ठन गांव रहिस, यहाँ के आदमी मन खेती किसानी के बूता करे, जेकर खेत खार नहीं रहे ओमन छेरी पठरू और गाय गरु रखे रहे, है ना, पठरू जाना था नहीं, छेरी के पिला ला पठरू की थे वैसे है। तब वहाँ के मनखे मन हा छेरी पठरू और गाय गरु रखे रहे, उही मल्ला ओमन चरावे, दूध दही गोबर छेना बेच के अपन गुजर बसर करे। इही गांव मा सुखराव नाव के मनखे रहिस, ओकर खेती खार नहीं रहे, तब वो छेरी पटरू रखे रहे। वो दिन भर जंगल झाड़ी में जाके छेरी चरावे, संझा होए ले गांव लहोटाए। छेरी पटरू मन हरियर हरियर पाना पतवा खाके मिछरावत लहुटाए। एक दिन के बात आए, सुखराम हा छेरी पटरू ला लेके जंगल मा दुरिहा निकल गे। जेठ के महीना रहा, आगे के आँच कस घाम घाम मा फुतकी हा कुधरा कस दिबगे रहा, तीर तखार मा पानी के बूंद नहीं रहा। सुखराम प्यास के मारे तरमरा गे, फिर का करे, थक के रुक के छैहा तरी बैठ गे। छेरी पठरू मन उही मेर बगर के चरत रहा। चित्र में देखो कैसे सुखराम हा थक हार के सुत गे और उकर छेरी पठरू हा ऐसने चरत हवा। अब आगू का होते, थोरी गमा शंकर भगवान हा उही मेर आइस। ओहा सुखराम ला प्यास के मारे तालाबेली करत देखिस, ओहा साधु के भेस बनाइस, हाथ मा पानी भरे कमंडल धरे ओकर तीर में जाके पूछिस, कसजी सुखराम तैहा काबर तालाबेली देथस। ओहा कहिस, कहा बताओ महाराज, प्यास के मारे मोर जीव छूटा थे। शंकर भगवान ला दया आगिस, ओहा कमंडल के पानी ला सुखराम तीर मड़ा दिस और एक पसर फर ओला दिस। ओहा कहिस, खाए के पूर्ति ला खा ले, बाछी तेल ला घर के पठेरा में मढ़ा देबे। सुखराम हा चार ठन फल ला खाइस, गटर गटर पानी पीस, बाचिस तेन फर ला पंछा के छोर में बांध के धर लीस। दिन भर के थके मांदे सुखराम हा संझा कुन घर लौटिस। देखा सुखराम हा अपन छेरी पटरूल धर के लौटा था, अपन गोसाइन सुखिया संग गोठियाइस बताइस, बाचे फल ला रंधनी के पठेरा मा कले चुप मढ़ा दिस। खटिया मा परते चुकर नींद पड़ गे, कुकरा बासा तो कर नींद खुलिस। कुकरा बासा त्यानी लईका हो, बिहानिया बिहानिया कुकरा हा बांग देते नहीं, वही ला कुकरा बासत की थे, ठीक है। और हाथ मुँह धो के रंधनी में गिस, पठेरा ला देखिस, सुखराम अब चकागे, वो फरहा सोन के हो गए रहा है। सुखराम ओला कले चुप धर लिस और छेरी मल्ला ढील के जंगल डहर चल दिस। सुखराम मने मन गदगद होवत रहा है, फिर संसो घलो करे, सोन के फल्ला का करूं, दिन भर हा बीत गे, रात भर ओला नींद नहीं आईस। दूसर दिन शहर जाके बेचे बर सोचिस, ओह बड़े फजर उड़ गिस। सुखिया ला छेरी पठरूला चराय बर भेज दिस, लकड़ धकर रेंग के सुखराम शहर गिस। सोनार मेर जाके सोन के फरला दिखाईस, चमचमावत सोनहा फरला देख के सोनार के लार टपके लगिस। वोहा पूछिस, एला तौलाओ? सुखराम के हिस, हाँ भैया एला झटकुन तौल और मोला
पैसा दे दे, देखो शहर के सोनहार दुकान में जहाँ सुखराम है गे है कैसे सोना चांदी मन है चक 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 चमचमावत है वाल। हाँ अब आगू देखथन का होते। सुनार झट ले फरला तराजू में तौलिस, रुपया के गड्डी ओला दे दिस। घर जाके सुखराम सुखिया ला सबे बात ला बता दिस। दोनों सुनता करके नवा घर बनवाई, भड़वा बर्तन नवा नवा बिसालिन, बिसालिन के मतलब खरीद लीन। सुखिया के तन भर जेवर ला देख के पारा पड़ोस के मन अकचका जाए। जेने देखा तेने पूछे कहाँ ले अतेक पैसा पाए। दोनों झन सिधवा रहीन, सबो झन ला सही बात ला बता दिन के ओकर घर मा सोन के फर हे, ओला बेच के पैसा भंजा ले थन। गांव भर के मनखे ये बात ला जान डरिन। एक दिन के बात आए, चार झन चोर मनखे मन, चार झन चोरहा मनखे मन सुखराम घर आईन और पूछिन चल तो देखा कहाँ है सोन के फर। सुखराम भल्ला भल जानिस, वो हा चारों झनला रंधनी घर में ले गिस और पठेरा मा माढ़े फरला देखा दिस। चमचमावत सोन के फरला देखिन त चोर मन के मन मा लालच आगे, ओमन कले चुप ओकर घर ले निकल गे। अदरथिया चोर मन सुखराम घर फर के चोरी करे बर खुसरीन, खटर पटर आरोप आके सुखिया के नींद उमच गे। ओहा सुखराम ला उठाइस, सुखराम हा चोर मन ला चीन डरिस। ओमन सोन के फल ला धरिन और भागते भागिन। देखो कैसे भागत है सोन के फल ला धर के चोर मन हा। दूसर दिन सुखराम गांव मा बैठका करिस, बैठका के मतलब है गांव में पंचायती होते है ना, पंचायत बुलाते तेन ला बैठका की थे। सोन के फर पाए के और चोरी होए के बात ला सफी सफा पंच मन ला बताइस। संग मा सुखिया घलोक रहिस, चोर मन ला बैठका मा बलाइस। ओमन फर धर के आइन, पंच हा चोर मन ला लतेड़ के पूछिस कस जी सुखराम कहा थे तेन बात हा सिरतो ने। चोर मन सक पका गे, ओमन चोरी करे के सबो बात ला बता दिन। पंच मन फरला मांगिन, चोर मन फरला लान के दिन तस सब देखिन कि फर मन हा कच्चा हो गए रहा। कच्चा फरला पंच मन सुखराम ला फेर दे दिन। ओ हर रंधनी घर के पठेरा मा फरला मढ़ा दिस, फर सोन के हो गए। चारो चोर मन ला पंच मन फटकारिन, पछीना के कमाई ले मनखे ला सुख मिलते, चोरी ठगी ले काम कभू नहीं बने, चोर मन कभू महल नहीं बनवावे। तल लेकर हो कैसे लगिस ये सोन के फर कहानी हा, अच्छा लगिस ना। त एक ठन बात कहत हो लेकर हो ध्यान से सुनहा, कभी भी हो चोरी ठगी के काम ला नहीं करना चाहिए, हमेशा मेहनत और पछीना के कमाई ला खाना चाहिए और मेहनत के काम करना चाहिए। ठीक है चलो अब हमन ये पाठ के कुछ प्रश्नाभ्यास कार्य ला करबो। खाल है माँ लिखाए प्रश्न मन के उत्तर लिखो। पहली प्रश्न हवा सुखराम छेरी पठरू चराए बर कहाँ गए रहीस। हाँ सुखराम छेरी पठरू चराए बर गांव के जंगल में गए रहीस। अब दूसरा प्रश्न ला देखो, सुखराम ला कौन पानी दिस, बतावा तो एकर उत्तर काय होही। हाँ बने कहा था, सुखराम ला साधु के भेष मा शंकर भगवान हा पानी दिस। औ अब आगे के प्रश्न ला देखो, साधु के दे फर काके हो गे, बतावो तो साधु के फर हा काके बन गे रही से। हाँ साधु के दे फर हा सोन के हो गे। ओकर बाद औ प्रश्न ला देखो, सुखराम सोन के फर ला का करिस। सुखराम हा सोन के फरला बाजार में सोनार तीर करा जाके पेश डरिस। ओकर बाद आगू प्रश्न ला देखा, सुखराम के गोसाइन के कान आ रहीस, बतावा तो। हाँ सुखराम के गोसाइन के सुखिया नाव रहीस। अब आगू के प्रश्न ला देखथन, तुमन कहनी ला ध्यान लगा के पढ़े हो, अब लिखो के ये बात ला कौन हा कौन ला कहिस। देखो कमे का लिखा है, कहजे सुखराम
तै हाँ काबर ताला बेली देत हस? ये बात ला कौन हा कौन ला कहिस बतावो तो? हाँ बहुत अच्छा, साधु हा सुखराम ला कहिस। अब खामे देखाओ काय लिखाय हवय। हाँ भैया, एला झटकुन तौल औ मोला पैसा दे। ये बात ला कौन हा कौन ला कहिस बतावो तो? हाँ सुखराम हा सोनार ले कहिस। गमे काय लिखाय देखाओ तो? चल तो देखा कहाँ है सोन के फर। ये बात ला चोर मन हा सुखराम ला कहिस। आगू देखथन काय है। घमे देखो कस जी, सुखराम कहा थे तेन बात सिरतो ने। ये बात ला पंच मन हा कहिन सुखराम ले। अब ओकर बाद हमर आगू के प्रश्न ला देखथन। खाल है मा लिखाए शब्द मा स्त्रीलिंग और पुरलिंग है, ओला अलग छाट के लिखाओ। ए मिर्दे है छेरी, गैया, भगवान, गोसाइन, कुकरा, साधु। ता ये शब्द में कौन शब्द है स्त्रीलिंग हवय और कौन शब्द है पुरलिंग है, एला हमला अलग अलग छांटना है। तो चलो एला एक ठन तालिका बना लेथन। देखा पहली खंड में का लिखा हवय, क्रमांक लिखा है। दूसरी खंड में स्त्रीलिंग लिखा है और अगले खंड में लिखा है पुरलिंग। ठीक है, ता स्त्रीलिंग में काय काय आही? छेरी और गैया और गोसाइन। और पुरलिंग में काय आही? जेन बाज गे है तेने मना ही। काय काय बाज गे है? भगवान, कुकरा और साधु। ठीक है, अब तुहार मन बर कुछ गृह कार्य के प्रश्न हवय। प्रश्न पहला हवय, खाल हे मा लिखाए वाक्यला ध्यान दे के पढ़ाओ और गुण के लिखाओ के का होतीस? का हवय शंकर जी नहीं आतीस ता? ख सोन के फल ला नहीं बेचतीस ता? ग बैठका मा चोर मल्ला नहीं बलातीस ता? का होतीस? एला तुमन गुण के लिखा हा अपन कापी में। ठीक है, और तुम्हार बार दूसरैया गृह कार्य हवय, चार ठन पूर्णरूप शब्द लिखाओ और अपन वाक्य मा प्रयोग करो। जैसे नवा नवा, नवा नवा दुबार उपयोग हो है, नवा नवा शब्द दुबार आवत है, यही ला पुनरुक्त शब्द की थे। तो एकर वाक्य में प्रयोग बन जही। दिवारी मा सबो जन नवा नवा ओन्हा कपड़ा पहिर थे। ऐसन है पुनरुक्त शब्द मल्ला छाट के लिखा तुमन अपन कापी में और वाक्यों में प्रयोग घलो करूँ। तीसरा गृह कार्य है तुम्हार बार, ये लोक कथा मा काकर काम सबले बने लागिस, कारण समेत पांच ठन वाक्य में अपन विचार ला लिखा। त हमन अभी पढ़े हन सोन के फर कहनी ला, त एमा काकर काम सबले बने लागिस है ओला कारण ला बतावत हुए एकर उत्तर ला तुमन अपन कापी में लिखा। त लइका हो आज बर अब अतके कन, अब हमन आगू के कक्षा में मिलबो। तब तक बर जय जोहार।